हैदराबाद में इन दिनों 48 घंटों में साल भर की सबसे ज्यादा बारिश होने की वजह से घरों में घुस गया पानी और सड़कें हो गई जाम। इसके कारण लोगों को राह गुजरना हो गया मुश्किल। मुंबई के खाड़ इलाके में बह गई 5 मंजिला इमारत, मलबे में दबकर 10 साल लड़की की हो गई मौत। 40 साल पुरानी बताई जा रही थी ये इमारत। बसो कल्याण में ताज स्कूल में मौजदी असातिज़ा की फर्जी हज की अदाई के बाद इनकी की गई गुलखुशी। बीजेपी लीडर स्वामी चिन्मयानंद पर असमद रदी का इल्जाम लगाने वाली लड़की को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। 14 दिन रखा जाएगा अदालत की हिरासत में। हमनाबाद में सड़कों पर आवारा कुत्तों के बाद बस जानवर भी रास्ते पर गुरुहों की शक्ल में दिखाई देने लगे हैं। इसकी वजह से राह गुजरों के दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहकमा बलिया से यही गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ फैसला लें। तेलुगु फिल्मों के मजाहिया निगार विनोद महादेव 40 साल की उम्र में कर गए इंतकाल। पिछले कई दिनों से इनके गुर्दे में थी तकलीफ। सिकंदराबाद के निजी हॉस्पिटल में हुआ इनका इंतकाल। टमकुर में लारी और कार के बीच में हुआ तसादम जिसमें 2 अफराध हलाक हुए और 3 बताए जा रहे हैं शदीद जख्मी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज 36वां जन्मदिन के मौके पर लोग इन्हें दे रहे हैं ट्विटर के माध्यम से मुबारकबाद। पुणे में कल रात मौसलाधार बारिश होने के बाद लोगों का हाल हो गया है बेहाल। पानी में बह रही हैं कई गाड़ियां और राह गुजरना हो गया है लोगों का मुश्किल। आओ उदय सिंह के किताब का दूसरा एडिशन का रस्म रूहमानी। अमन में आया ये किताब उर्दू सीखने के लिए तलबा के लिए मददगार साबित होगी।